कलिकोपुल की अगुवाई में ही कांग्रेस के विधायकों ने नबाम टुकी के नेतृत्व वाली सरकार से बगावत की थी। कलिकोपुल को बीजेपी का समर्थन था, उनके साथ कांग्रेस के 19 बागी विधायक थे। 19 फरवरी 2016 को कलिकोपुल को गवर्नर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली कांग्रेस सरकार बहाल करने का आदेश दिया था। कलिकोपुल की जगह पेमा खांडू अरुणाचल के नए मुख्यमंत्री बने थे। दलितों पर हो रहे अत्याचारों के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को लेकर भी चुप्पी तोड़ी है। कश्मीर पर चुप्पी को लेकर लगातार विपक्ष और आलोचकों का हमला झेल रहे पीएम मोदी ने कश्मीर पर बात करने के लिए चंद्रशेखर आजाद की धरती को चुना। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भावरा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग कश्मीर के हालात खराब करने पर तुले हैं। मोदी ने कहा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की नीति के तहत ही चलना चाहते हैं। उन्होंने जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के सिद्धांत पर चलने की ज़रूरत बताई। पीएम ने कहा कि जमहूरियत और विकास ही कश्मीर के लिए एकमात्र रास्ता है। आपको बता दें कि भाभरा से ही पीएम मोदी ने आज़ादी के 70 साल याद करो कुर्बानी अभियान की शुरुआत की। हमारा कश्मीर हमारे देशवासियों के लिए स्वर्ग भूमि, हर हिंदुस्तानी का सपना होता है कि कभी न कभी कश्मीर जाना है। उसके मन में उस स्वर्ग भूमि देखने की इच्छा रहती है, लेकिन हम देख रहे हैं जो हिंदुस्तान पूरा कश्मीर को इतना प्यार करता हो, वहां कुछ मुट्ठी भर लोग गुमराह हुए, कुछ लोग कश्मीर की इस महान परंपरा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो मार्ग अपनाया था इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत का, उसी मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। और मैं मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों को आज चंद्रशेखर आजाद के इस महान पवित्र भूमि से कहना चाहता हूं, देश के आजादी के दीवानों ने जो ताकत हिंदुस्तान को दी है, वो कश्मीर को भी बड़ी ताकत मिली है।